नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है, वहीं भारत और चीन के बीच अगर युद्ध होता है तो क्या कुछ परिणाम होंगे, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या भारत अब चीन से मुकाबला कर पाने में सक्षम है? दरअसल जब से चीन ने भारत को चेतावनी दी है कि भारतीय सेना को इतिहास से मिले सबक यानी 1962 की लड़ाई में मिली हार से सीख लेनी चाहिए, तब से एक बार फिर से ये बहस चल पड़ी है कि क्या भारत अब चीन से मुकाबला कर पाने में सक्षम है या फिर अब वह उसे छोड़कर आगे बढ़ चला है। इसी बीच रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने चीन की धमकी के प्रत्युत्तर में ये कहकर तनाव को और भी हवा दे दी है कि 1962 के भारत और 2017 के भारत में फर्क है, तब अलग हालात थे और अब हालात अलग हैं। अब जरा ये भी समझ लें कि आखिर क्यों एक बार फिर से भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर खटपट हो रही है। विवाद का कारण बना डोकला इलाका भारत के सिक्किम और भूटान के बीच चुंबी घाटी क्षेत्र में स्थित है। चीन में इसे डोंगलोंग और भूटान में डोकलाम के नाम से जाना जाता है। इसको लेकर चीन और भूटान के बीच लंबे समय से विवाद चला रहा है, जिसे सुलझाने के लिए 1984 से लेकर अब तक 24 वार्ताएं हो चुकी हैं। भारत इसलिए चिंतित है कि भूटान का ये इलाका जहां चीन सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है ठीक उसके नीचे है चिकन नेक, वो इलाका जो उत्तर पूर्व भारत को बाकी देशों से जोड़ता है। अगर यहां सड़क बन जाती है तो यह सीधे चीन की तोपों की रेंज में आ जाएगा। फिलहाल इस इलाके में भारत मजबूत स्थिति में है, हमारी सारी पोस्टें ऊंचाई पर हैं जबकि चीन यहां नीचे है। पहाड़ी इलाकों में ये रणनीतिक तौर पर काफी फायदेमंद होता है, यहां भारत के पैर उखाड़ने के लिए चीन को काफी दम लगाना पड़ेगा। वैसे 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में जो जानकारी सामने आई है उससे लगता है कि उस वक्त के राजनीतिक नेतृत्व और सेना के कई कमांडर्स ने अपनी जवाबदेही ठीक से नहीं निभाई, जिसकी वजह से भारत को हार का मुंह देखना पड़ा। बताया जाता है कि ना तो सेना लड़ने के लिए तैयार थी, ना ही उसके पास कपड़े थे और ना ही हथियार, रही सही कसर मौसम ने पूरी कर दी थी। वायुसेना के कई रणनीतिकारों को ये बात आज तक हजम नहीं हुई कि आखिर उस वक्त जंग में वायुसेना का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि चीनी वायुसेना की तुलना में उस वक्त भारतीय वायुसेना काफी बेहतर थी। चलिए अब आपको बता दें कि पूरे मामले पर भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का क्या कुछ कहना है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का कहना है कि भारत ढाई फ्रंट से निपटने के लिए तैयार है। इसमें चीन और पाकिस्तान के अलावा देश के भीतर मौजूद आंतरिक खतरों से निपटना भी शामिल है। वैसे अगर गौर किया जाए तो अब भारत चीन के हमले को करारा जवाब देने के लिए हर मोर्चे पर तैयार है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर तनाव को देखते हुए सेना को 40,000 करोड़ रुपए तक का साजो सामान सीधे खरीदने का अधिकार दे दिया है। इससे सेना को छोटी अवधि के युद्ध के लिए रक्षा खरीद समिति की मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी और उसे जरूरी साधनों को कम समय में जुटाने में सहूलियत होगी। हालांकि चीन तो क्या, ये बात हर कोई जानता है कि अब लड़ाई किसी देश के बूते की बात नहीं है। हाँ, बस इसके नाम पर दबाव जरूर बनाया जा सकता है। सच्चाई ये है कि भारत अमेरिका और जापान की दोस्ती चीन को रास नहीं आ रही, लिहाजा वो दबाव बनाने के लिए ये सब कर रहा है ताकि इन तीनों देशों की दोस्ती परवान ना चढ़ सके और इस क्षेत्र में उसका दबदबा कायम रहे।